नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में एक नए संभाग को, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के बारे में बात करके फिर उसमें प्रत्येक जिले के विस्तृत जानकारी देखेंगे। ये जो क्लास है राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान संदर्भ में जिस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास ली जा रही है, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन जोधपुर संभाग की बात करें। जोधपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, ये छह ज़िले मिलकर के एक संभाग बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है जोधपुर। जोधपुर संभाग के बारे में और ध्यान रखेंगे, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो संभाग है वो आपका जोधपुर संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। उसके साथ ही सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी जोधपुर संभाग है और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग भी आपका जोधपुर संभाग है। तो ये बातें आप जोधपुर संभाग में ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जोधपुर जिले के बारे में। जोधपुर सबसे पहले जोधपुर का शुभंकर याद कर लेते हैं। जोधपुर का शुभंकर क्या रहेगा? तो जोधपुर का शुभंकर है आपका कुर्जा। जोधपुर का शुभंकर क्या है? कुर्जा पक्षी जोधपुर का शुभंकर है। ये जो भी क्लास हो रही है इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जोधपुर का शुभंकर कुर्जा है। जोधपुर का उपनाम, निकनेम की बात करें तो इसको एक सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान की सन सिटी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। इसके अलावा इसको ब्लू सिटी, नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर जिला नीला शहर के नाम से जाना जाता है और मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहते हैं। तो शुभंकर कुर्जा पक्षी हो गया। उसके अलावा निकनेम में देखे तो राजस्थान की सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से जोधपुर को कहा जाता है, नीला शहर ब्लू सिटी ये भी आपके जोधपुर को कहा जाता है और मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये भी जोधपुर को कहते हैं। प्राचीन नाम मारवाड़ क्षेत्र रहा था इसका, आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुभंकर। तो जोधपुर का शुभंकर अपन ने देख लिया है कुर्जा पक्षी। उपनाम में देखे तो सूर्य नगरी कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार और नीला शहर ये जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी। सामान्य परिचय देखे जोधपुर का सामान्य परिचय, तो जोधपुर की स्थापना से पूर्व मारवाड़ की जो राजधानी है वो मंडोर रही थी। जोधपुर जो राजधानी बनी है 1459 में राव जोधा जी अभी जोधपुर नगर की स्थापना करेंगे, तो जोधपुर नगर की स्थापना से पूर्व मारवाड़ क्षेत्र की राजधानी ये मंडोर रहा करती थी। राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर 12 मई 1459 को विशाल दुर्ग मेहरानगढ़ की नींव रखी और फिर वहीं पर जोधपुर नगर की स्थापना की। तो जोधपुर नगर की स्थापना कब होती है? 1459 ईस्वी में। आगे चल करके 16वीं शताब्दी में राव मालदेव यहाँ का एक प्रतापी शासक हुआ, उनके समय में मारवाड़ क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ। राव मालदेव जोधपुर का सबसे प्रतापी शासक हुआ जिन्होंने शेरशाह सूरी तक को भी हिला दिया था। जोधपुर के शासक आगे एक शासक आया था मान सिंह राठौड़। महाराजा मान सिंह राठौड़ ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी जिसमें अंग्रेजों की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर करने वाला चार्ल्स मेटकॉप था। अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले जोधपुर के महाराजा
मानसिंह हुए थे और अंग्रेजों की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे चार्ल्स मेटकॉप। और ध्यान रखना है राजा मानसिंह को सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस शासक को सन्यासी राजा कहते हैं? तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह को। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान एकीकरण। जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उसमें जो चौथा चरण था बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को जोधपुर को राजस्थान में शामिल कर दिया गया। ध्यान रखना जो चौथा चरण था बृहत राजस्थान इसमें आपके चार रियासतों को शामिल किया गया था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासतें और महत्वपूर्ण रियासतों का विलय होने के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन का और महत्व बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने 30 मार्च 2012 के दिन ही राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत राजस्थान में कब की गई, इसकी घोषणा कब की गई? तो 30 मार्च 2012 को। तो बात कर रहे थे चौथा चरण 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया गया। उस समय जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह। ये हनुवंत सिंह जी पहले पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, परंतु सरदार पटेल के दबाव में आकर के इन्होंने राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। और कहा जाता है कि हनुमंत सिंह जी एकीकरण में काले कपड़े पहन करके ये उपस्थित हुए थे, इसके अलावा एक ये भी आप ध्यान रखोगे, जब ये महाराजा जसवंत सिंह जी पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे तब एक समाचार पत्र जिसका नाम है रियासती समाचार पत्र ने 26 मई 1948 को समाचार पत्र में इन महाराजा हनुमंत सिंह जी के जो इरादे थे पाकिस्तान में मिलने का उनको सबको इसमें बताया था कि किस वजह से ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। और रियासती समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सुमरेश जोशी। नाम याद रखोगे सुमरेश जोशी ये रियासती समाचार पत्र के संपादक थे। तो पूछा हुआ प्रश्न है एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह। कौन से महाराजा या कौन से राजस्थान के किस रियासत के शासक पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे? तो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। ये था जोधपुर का सामान्य परिचय। उसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्राचीन नाम या जोधपुर का भौगोलिक नाम। तो मारवाड़। जोधपुर नगर की स्थापना से पहले इस क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता था, मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता। प्राचीन समय में पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र जिसमें जोधपुर, कुछ जैसलमेर हो गया, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, ये सभी जिलों का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं जोधपुर की प्रमुख जिले। कौन कौन सी जिले हैं जोधपुर में? अपन दो प्रकार की जिले देखेंगे, एक मीठे पानी की झील और दूसरे खारे पानी की झील। तो पहले अपन देखते हैं मीठे पानी की झील, जिसमें पहली झील है कायलाना झील। कायलाना झील ये जोधपुर जिले की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कायलाना झील मीठे पानी की झील है। इसका जीर्णोद्वार करवाया था जसवंत सिंह द्वितीय का भाई प्रताप सिंह ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था, इसलिए इसको प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप सागर झील भी इसको कहते हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के द्वारा इंदिरा गांधी नहर से इसमें पानी लाया जाता है इस कायलाना झील में, और इसी झील से जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है कायलाना झील से। इसी झील के किनारे देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क 1985 में स्थापित किया गया। माचिया सफारी पार्क कौन सी झील के किनारे हैं? कायलाना झील के किनारे हैं। दूसरी झील की बात करें बालसमंद झील। नेक्स्ट झील है बालसमंद झील। इस बालसमंद झील का जो निर्माण 1159 ईस्वी में प्रतिहार नरेश बाऊक या बालक राव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है बालसमंद झील। ये भी एक मीठे पानी की झील है। इस झील में गुलाब सागर नहर के द्वारा पानी लाया जाता है।
जोधपुर के महाराजा सूर सिंह ने इस झील के मध्य अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया था। चले फिर बात करते हैं खारे पानी की झीलें। जोधपुर में कौन कौन सी खारे पानी की झील है, तो एक तो है आपके बाप झील जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में है, और एक फलोदी जोधपुर में, ये दोनों खारे पानी की झीलें जोधपुर में स्थित है। चले नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख बावड़ियाँ। जोधपुर में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं, एंजन बावड़ी, तापी बावड़ी, मंडोर बावड़ी। ठीक है, तापी बावड़ी जो जोधपुर की सबसे बड़ी बावड़ी, जोधपुर की सबसे बड़ी बावड़ी, एक चांद बावड़ी भी है, इसका भी ध्यान रखना। चांद बावड़ी राव चूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। एक चांद बावड़ी जो प्रसिद्ध वो आबानेरी दोसा की भी है, आबानेरी दोसा की में भी चांद बावड़ी है, वो भी प्रसिद्ध है। बावड़ियों के बाद देखें अपन वन्य जीव अभ्यारण्य व आखेट निषेध क्षेत्र। जोधपुर में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है और आखेट निषेध क्षेत्र है। तो आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में है। टोटल कितने हैं, 33 राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र हैं, जिनमें से 7 आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में जो कि सर्वाधिक है। डोली, गुड्डा, विश्नोई, पीट मासनी, लेचू, लोहावट, साथीन और जम्बेश्वर जी। ठीक है, जम्बेश्वर जी में ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आखेट निषेध क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र ये सवनसर कोटसर चुरू है, और दूसरा सबसे बड़ा जम्बेश्वर जी जोधपुर वाला। गुड्डा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर में है। टोटल राजस्थान में 14 कंजर्वेशन रिजर्व है, जिनमें से गुड्डा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके जोधपुर जिले में स्थित है। तो अपन ने देखे थे आखेट निषेध क्षेत्र और कंजर्वेशन रिजर्व। फिर उसके बाद बात करें प्रमुख मृग वन वगैरह के, तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क कहाँ है, जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क 1985 में कायलाना झील के किनारे इसकी स्थापना की गई है। यह देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है, देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क है। फिर बात करें अमृता देवी मृग वन खेजड़ली गांव जोधपुर में है। अमृता देवी मृग वन 1994 में मृग वन की स्थापना की, और ये मरु लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। खेजड़ली गांव में विश्नोई संप्रदाय के लोगों के द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ी की रक्षा हेतु प्राण न्योछावर किए थे। खेजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए 363 लोगों के साथ 1730 में प्राण त्यागे थे। टोटल 363 लोगों ने, इस समय जोधपुर के शासक कौन थे, अभय सिंह। खेजड़ली गांव की जो घटना हुई थी उस समय जोधपुर के शासक कौन थे, महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह के समय ये घटना हुई है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला की बात करें तो खेजड़ली गांव में भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ खेजड़ली गांव में मेला लगता है। जबकि खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, खेजड़ी ने खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई, 1994 में। 1994 में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की शुरुआत हुई, और प्रथम पुरस्कार किसको दिया था, गंगाराम विश्नोई को ये पुरस्कार दिया गया, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। ठीक है, फिर ये ध्यान रखना राज्य में जीवों की रक्षार्थ जो बलिदान दिया था, पहला बलिदान कब और कहाँ पर दिया गया है, तो 1604 में जोधपुर रियासत के रामसड़ी गांव में गोरा व कर्मा ने दिया था। गोरा व कर्मा ने 1604 ईस्वी में रामसड़ी गांव में ये भी जीवों को बचाने के लिए प्राण न्योछावर किए थे, जो विश्नोई संप्रदाय के द्वारा जीव को बचाने के लिए जो ये बलिदान दिया जाता है इसको खड़ाना कहते हैं, साका या खड़ाना कहते हैं, खड़ाना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद जंतुवालय, जोधपुर के प्रमुख जंतुवालय। तो जोधपुर जंतुवालय 1936 में यहाँ जंतुवालय की स्थापना की है, जोधपुर जंतुवालय की। और जोधपुर जो जंतुवालय है
गोडावण पक्षी के प्रजनन केंद्र और पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न आएगा कौन सा जंतुवालय पक्षी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है या गोडावण पक्षी के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, तो जोधपुर जंतुवालय, ध्यान रखोगे। जोधपुर जिले के फलोदी गांव का खींचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। कुर्जा पक्षी जो जोधपुर के खींचन गांव और ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। प्रमुख मिट्टियों की बात करें, मिट्टियां तो राज्य में सर्वाधिक पड़त प्रतिभूमि वाला जिला जोधपुर, सर्वाधिक प्रतिभूमि जोधपुर। राज्य में दूसरा एग्रो फूड पार्क बोरनाड़ा जोधपुर में, पहला कहाँ है, रानपुर कोटा, ठीक है। इसके अलावा एक ध्यान रखना, राज्य का पहला स्पाइस पार्क, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर है और दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ है, कोटा है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में 1958 में स्थापित की गई है, राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। और दूसरी कहाँ स्थापित की गई है, तो जयपुर में। लाल मिर्च के लिए मथानिया जोधपुर प्रसिद्ध है। तो ये बात की थी अपन ने आख्य निषेध क्षेत्र, मृगवन और जंतुवालय से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख उद्योग, जोधपुर के प्रमुख उद्योग की बात करें तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, जोधपुर में। सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन वाला सबसे बड़ा कारखाना सफेद सीमेंट का बिरला व्हाइट सीमेंट खार या खंगार जोधपुर में। सफेद सीमेंट का पहला कारखाना आ जाए तो गोटन नागौर में, और सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना आ जाए खार या खंगार जोधपुर में। हस्तकलाओं की बात करें, बादला क्या है, पानी को ठंडा रखने का जस्ते का जो बर्तन है उसे बादला कहते हैं। और ये बादला कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये बादला जोधपुर के प्रसिद्ध है। बादला एक हस्तकला है जो आपके पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते के बनाए हुए बर्तन है। मोजड़ियाँ, जोधपुर की मोजड़ियाँ प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर के। बंदेज कार्य के लिए भी जोधपुर जिला प्रसिद्ध है। जोधपुर के तैयब खान को बंदेज कार्य हेतु पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो तैयब खान जी का संबंध भी किससे है, बंदेज कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें जोधपुर के प्रमुख विश्वविद्यालय की, जोधपुर में कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं, तो पहली यूनिवर्सिटी की बात करें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, JNU जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ है, जोधपुर में। 1962 में इसकी स्थापना की गई और ये पश्चिमी राजस्थान का उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। इस विद्यालय का कार्य क्षेत्र पहले केवल जोधपुर शहर की सीमाओं तक ही सीमित था, लेकिन वर्तमान में इसका दायरा बढ़ गया है, अब केवल जोधपुर की सीमा में नहीं रहा है। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में है। 1999 में इसकी स्थापना की गई राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की। 2001 से इसका सत्र आरंभ हो गया, पहला सत्र है। ये राजस्थान का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है, एकमात्र विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में। नेक्स्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, यह भी जोधपुर में है। 2002 में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और 2011 में इसका नाम बदल करके सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम कर दिया गया। ये राज्य का पहला और देश का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दंडिक न्यायालय जोधपुर में है। इसकी स्थापना 2012 में की गई है। तो आज अपन ने जोधपुर का केवल एक पार्ट देखा है, थोड़ा बड़ा है जिला। तो जल्दी ही आपका नया जो क्लास है, आज या कल ही में लेकर के जोधपुर जिला को पूरा कर दिया जाएगा, जिसमें जोधपुर से जुड़े हुए हिस्ट्री से संबंधित और कला संस्कृति से संबंधित जितने भी तथ्य हैं और जोधपुर जिले से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी को अपन इस क्लास में जरूर पढ़ेंगे जिला दर्शन में। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के साथ, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।